स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे अपना यूनिट नंबर 6 टाइम। गेट अप ईट ब्रेकफास्ट रेडी टू स्टोरी इन स्कूल रीड अ स्टोरी इन स्कूल ईट लंच प्ले स्टडी गो टू बेड। तो हम पूरे दिन भर में क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर खाना खाते हैं दोस्तों के साथ, फिर शाम को खेलते हैं, फिर शाम को ट्यूशन करते हैं, घर पे पढ़ाई करते हैं, फिर रात में अगेन सो जाते हैं। तो ये क्या है, हमारा टाइम बता रहा है। टिक द एक्टिविटी दैट डू यू इन मॉर्निंग, जो आप मॉर्निंग में क्या करते हो उसे हमें टिक करना है। तो हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रश करते हैं ना, तो उसे टिक कर देंगे, ठीक है। अब जो इवनिंग में क्या करते हो, इवनिंग में हम बच्चों के साथ खेलते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। अब दिन में क्या करते हो, लंच करते हो। नाइट में क्या करते हैं, सोते हैं। नंबर द एक्टिविटी इन अ सीक्वेंस। अच्छा, हमें सीक्वेंस लगाने के, हम सबसे पहले क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आटा निकालते हैं, ठीक है। फिर चलो इसे वन डाल देते हैं, वन, ठीक है। फिर क्या करते हैं, उसे पानी डालते हैं और उसे सानते हैं, थोड़ा सानते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर अब चूल्हा जलाते हैं, फिर रोटी लगाते हैं, फिर अपनी बहन को खाना खिलाते हैं। टेक द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर। सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, एक छोटे नलके से पानी भरने में या एक बड़े बड़े जग में पानी भरने में? तो सबसे ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है। पैदल घर जाने में या साइकिल से घर जाने, तो पैदल घर जाना में लेट लगता है ना, बस से स्कूल, बस से घर चले जाते तो जल्दी पहुँच जाते हैं, पैदल आते तो लेट आते हैं।